देखिए रमेश जी, मैं खानपुर गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म यहीं का है। बिल्कुल मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा और सबका आशीर्वाद लेके चुनाव लड़ने जाऊंगा इस बार। सबसे पहले मेरा एक ही काम होगा, सबसे पहले यहाँ एक वॉशरूम बनाना इस मार्केट के अंदर, और दूसरा काम मेरा ये होगा कि घर घर तक पानी देना। चाहे मुझे कहीं तक जाना पड़े, चाहे मुझे सरकार से लड़ना पड़े, मैं पानी घर घर तक पानी पहुंचाऊंगा। मैं बिल्कुल मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे, जिस जो आज की हालत है हमारे क्षेत्र की वार्ड नंबर 167 की, कहीं भी गंदगी नहीं रहने दूंगा, सफाई रखूंगा बिल्कुल बिल्कुल। आपको टाइम टू टाइम कर्मचारी होंगे, जो आजकल कर्मचारी जैसे आजकल दिखाए जाते हैं कागजों में, कर्मचारी कम होते हैं और वैसे प्राइवेट कर्मचारी ज्यादा होते हैं, वो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सफाई होगी आपके क्षेत्र के अंदर, गंदगी बिल्कुल नहीं होगी। मैं खुद डोर टू डोर जाऊंगा, पर डे डोर टू डोर काम करूंगा, क्योंकि मैं लोकल हूँ यहाँ का। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता जनार्दन में, और आज पुनः एक खास पेशकश दिल्ली एमसीडी चुनाव के ऊपर हम अभी मौजूद है देवली रोड पर, और देवली रोड में हमारे साथ सुंदर सिंह चौधरी जी मौजूद है। सुंदर जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं जनता जनार्दन का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दी और आम जनता की आवाज उठाने का मौका दी। और कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करते हैं, बदरपुर कांग्रेस कमेटी से महामंत्री हैं। सुंदर जी, एमसीडी चुनाव बिल्कुल पास में है, और खासकर दिल्ली की व्यवस्था की बात करें, एक बार चुनाव की डेट निकल गई थी लगभग, उसको रोक दिया गया, और रोकने का कारण आप लोगों को पता है, परिसीमन होना था और एकत्रित करके एमसीडी को एक यूनिट में परिवर्तन करने के लिए ये सारी व्यवस्था बनाई गई थी। बहरहाल वो समय भी आ गया है दोबारा से, ताकि चुनाव का समय भी आ गया है। सुंदर जी, पहले हम एमसीडी के ऊपर बात करते हैं, राष्ट्रीय राजनीति और खासकर राज्य स्तरीय की राजनीति में ज्यादा बात नहीं करूंगा, साउथ दिल्ली की बात कर लेते हैं। साउथ दिल्ली से आप महामंत्री हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, दक्षिणी दिल्ली की साफ सफाई व्यवस्था के ऊपर तो नजर रखे हुए हैं आप, खासकर देवली विधानसभा की बात कर लेते हैं, अंबेडकर नगर विधानसभा की बात कर लेते हैं, आपकी वार्ड की बात कर लेते हैं। ओवरऑल जो छवि देखी जा रही है और छवि जो आने वाले समय की होने वाली है, एमसीडी में कितना आप परिवर्तन देख रहे हैं, क्या कुछ आप खुश हैं इस व्यवस्था के साथ? रमेश जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा सफाई के अभियान के ऊपर। मोदी जी के बड़े बड़े वादे हैं देश से कि सफाई अभियान के बारे में। आज आइए हमारे क्षेत्र के अंदर आके देखिए, गंदगी का भंडार लगा हुआ है। आप आइए, एमसीडी स्कूल है एमबी रोड के पास, स्कूल के दीवार पे देखो आप कितनी गंदगी वहां पे इकट्ठी हुई है। वहां पे बच्चे किस हालत में बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या हालत है, एक जगह गंदगी हो रही है और बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, क्या इनको नजर नहीं आता? जो यहाँ के निगम पार्षद हो या विधायक हो, जो जनता ने उनको वोट दिया है, अपने सर पे बैठा है, इतना बड़ा बहुमत दिया, उसके बाद ये हाल है। दिल्ली एक कैपिटल शहर होने के बावजूद भी आज गंदगी का भंडार स्कूल की दीवार के साथ में है। मुझे बड़ी शर्म आती है, बहुत शर्म आती है रमेश जी। ऐसे ही आ जाइए आप एमबी रोड, देवली रोड के अंदर, हर सोना मॉडल पब्लिक स्कूल में जहाँ पे आपने आवाज उठाई थी, वहां देखा था क्या हालत है स्कूल के। स्कूल के पास गंदगी का भंडार इकट्ठा हुआ पड़ा था, गंदगी कितनी गंदगियां थी वहाँ, बच्चे वहां से निकल रहे थे, बीमार हो रहे थे, मतलब कि इतनी स्मेल आती थी, बच्चे रुमाल तक लगा के निकलते थे वहां पे। सही बात है, हमारी आंखों की बात है बहरहाल। और सबसे बड़ी बात जी, ये मतलब ये नहीं है कि इनका पीरियड खत्म होगा तो ये काम नहीं करेंगे। अरे भाई, आप जनता ने आपको जिताया है, आप जनता के सेवक हो, आप काम करके दिखाइए, काम करो। तो दूसरे सवाल की ओर जाते हैं, कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करते हैं, जाहिर सी बात है अनेकों वर्षों से शीला दीक्षित जब सरकार चला रही थी, 15 साल सरकार चलाते हुए उन्होंने देश और दुनिया के लिए अच्छा सोचा, और खासकर दिल्ली स्तर पर की बात करें, दिल्ली स्तर में उन्होंने काफी अच्छा डेवलपमेंट काम किया। ये सुंदर जी, कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, कांग्रेस के कामकाज के बारे में बात कर लेते हैं, जनता का रुख पलट गया, जनता आम आदमी पार्टी की तरफ चली गई, इवन बीजेपी को भी नकार दिया, बीजेपी कई बार सत्ता में बिल्कुल आ ही नहीं पाई। एमसीडी जहां तक थी, दिल्ली एमसीडी बीजेपी के पास जरूर थी, मगर कांग्रेस की ओर आप कैसे लोगों को रिझाएंगे, कांग्रेस के साथ कैसे जुड़ाएंगे लोगों को, कनेक्टिविटी डिस्कनेक्शन जो महसूस हो रही है जनता के साथ, क्या कुछ आप आह्वान करेंगे लोगों को, क्या बोलेंगे? देखिए, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने जो देश की दिल्ली की खासकर रूपरेखा को बदला, दिल्ली को बदल दिया, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो हरी भरी ग्रीन बसें हो, फ्लाईओवर हो, बड़े बड़े स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, बहुत सी ऐसी है नीतियाँ जो शीला जी ने काम किया दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी कांग्रेस हारी, हम हार गए चुनाव। देखिए, एक आम आदमी पार्टी आई दिल्ली के अंदर, उन्होंने देश से दिल्ली वालों से वादा किया कि हम
गरीबों के मसीहा हैं, हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी की तरह काम करेंगे। उन्होंने रामलीला ग्राउंड पे खड़े होकर कसमें वादे किए दिल्ली की जनता से, ना हम बंगला लेंगे, ना हम सिक्योरिटी लेंगे, ना हम लाल बत्ती की कार लेंगे, हम सारा सर्कल बदलने आए हैं। लेकिन देखो, सारी की सारी सुविधा आज केजरीवाल साहब ने ली। यहाँ तक कि उनके जो रिश्तेदार रहे, साडू महामंत्री साडू रहे जल बोर्ड में, वो फंसे उसमें, क्या कहते केस के अंदर फंसे जल बोर्ड के उसमें, और देश और पूरे देश के उस चीज़ का खुलासा हुआ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, आप देखिए दिल्ली की हालत क्या है। दिल्ली में आप आइए, इन्होंने पानी का वादा किया था कि घर तक मैं पानी पहुँचाऊंगा, घर के छुट्टी तक। आज आप जाइए कृष्णा पार्क के अंदर, जौहर पार्क के अंदर जाइए, संगम विहार में आप जाके देखिए, अभी एक एक बूंद तक पानी नहीं मिल रहा है। जो बच्चे स्कूल के लिए, जो बच्चा एक जो युवा बच्चा होता है, देश का भविष्य होता है, वो पानी भरने के लिए कम से कम आधे किलोमीटर जा रहा है। हमारी माताएं बहनें 80-70 साल की पानी भरने के लिए जा रही है। ये है पानी की सुविधा। तो फिर क्या कहते, क्योंकि चुनाव दोस्तों आ रहा है, एमसीडी चुनाव आ रहा है। मेरे हिसाब से जहां तक मैंने पत्रकारिता और खासकर राजनीति और पॉलिटिकल एक एजेंडे को लेकर मैंने सोचा है और जो देखा है, राष्ट्रीय राजनीति और राज्य स्तरीय राजनीति से एमसीडी चुनाव दोस्तों तो पूरा डिफरेंट होता है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप लोग उन्हीं को वोट दें जो आप लोगों के क्षेत्र में, आप लोगों के आसपास, आप लोगों के वार्ड में ज्यादा तवज्जो रखते हो, ज्यादा इज्जत रखते हो और आप लोगों के साथ जमीनी स्तर पर काम करते हो। तो उसी संदर्भ को लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोग किस तरीके से आपसे जुड़े, किस तरीके से ये सब हो पाएगा? बिल्कुल सही बात पूछा कि देखिए जी, लोकल मुद्दों पे और लोकल चुनाव में, निगम पार्षद चुनाव में कोई बाहर का सीएम या प्रधानमंत्री नहीं आएगा। यहाँ का लोकल ही कैंडिडेट, लोकल जो लोगों के लोगों से जुड़ा हुआ है, वही काम करेगा। सही बात है। हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के विधायक रहे श्री अजय दत्त साहब, मैं तो उनको साहब कहता हूँ क्योंकि साहब ही है क्षेत्र में, तो वो आते नहीं है कभी भी, ना उन्होंने क्षेत्र में आके क्षेत्र का घूमे कि हमारे यहाँ क्या क्या समस्या है, लोगों की क्या समस्या है। मेरे पास बहुत बड़ी कंप्लेंट आती है, यहाँ पे लोग समस्या लेके जाते हैं इनके विधायक साहब के ऑफिस में, कार्यालय में। वहाँ जाके, वहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जिनको बोलने की तमीज़ नहीं होती। बहुत 4-5 लोग हैं ऐसे जो जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, या कोई सीवर की समस्या हो, कोई लाइट की समस्या हो, मतलब कुछ भी समस्या हो। मैं सवाल फिर उसी में आऊंगा ना, क्योंकि मेरा सवाल तो वही है कि आप अभी कांग्रेस की प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव में आपकी तैयारी कितनी है वो आप भी बताएं कि भाई आप चुनाव में उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। अगर उतर रहे हैं तो जनता को किस तरीके से रुख कराएंगे अपनी तरफ, कांग्रेस की और आपकी तरफ, आपको कैसे वोट आए, आप कैसे ये सीट को निकाले, और जो कंप्लेंट आ रही है वो खुद आप देखिए। मैं उसी भी तो कह रहा हूँ, मैं आपको बोल तो रहा हूँ। देखिए जब जो जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, सर पे बैठा इतना बहुमत दिया, आप कहते हो कि हम जनता के सेवक है, और आपके पास जनता पब्लिक को जाती अपनी समस्या लेके, तो उनसे पूछते हो भाई क्या, किस लिए आए हो, क्या करने आए हो, आपको कैसे इतनी बातें पूछते हो कि वो बेचारा परेशान हो जाता है, कैसे कैसे अंदर जाता है, विधायक साहब वहां मिलते नहीं है, उपस्थित नहीं होते विधायक साहब। विधायक साहब 12-1 बजे तक फॉरेस्ट पार्क के अंदर योगा करते हैं, राजा महाराजा की तरह जश्न मनाते हैं, वहां पे पिकनिक मनाते हैं, और जनता अंबेडकर नगर की उनके कार्यालय के बाहर खड़ी रहती है अपनी समस्या के लिए। ये तरीका काम करने का, इसको विधायक कहते हैं? ये जनता के सेवक है रमेश जी। सेवक वो होता है, विधायक वो होता है जो जनता के दुख सुख में खड़ा रहे, उनकी समस्या को सुने, उनके काम उनको कामों को करे। आज हमारे खानपुर एक्सटेंशन की एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ 2000 परिवार रहता है जो गंदगी से इस समय गुजर रहा है। उनकी सीवर लाइन है 500 मीटर की, आज तक इन्होंने डाली नहीं उस सीवर लाइन को, पता है आपको? ये तो काफी समस्या है। कृष्णा पार्क की भी समस्या है, लाजू पार्क की भी समस्या है। आप जाके देखिए, वहां पे सर्वे कीजिए, पानी तक नहीं मिल रहा कृष्णा पार्क में, लोग परेशान है पानी के लिए। जौहर पार्क में पानी नहीं मिल रहा है, सड़कें सारी टूटी पड़ी है वहां की। हमारे यहाँ इस समय क्राइम कितना नंबर वन पे आ चुका है, कुछ सुनने वाला है? सरकार कुछ भी देखती भी नहीं इस बारे में, सर की स्नैपिंग हो रही है, चोरी हो रही है। क्या ये सरकार का हक नहीं बनता? क्या यहाँ का विधायक का हक नहीं बनता प्रशासन से पूछे, कानून व्यवस्था को ठीक करें? जरूर, इनका हक नहीं बनता इनका? जरूर, जनप्रतिनिधि है तो तमाम सारे छोटी बड़ी समस्याओं को मद्देनजर जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ करके चाहे किसी प्रशासन को सम्मिलित करके उस समस्या का समाधान करना हो तो जरूर करना चाहिए। बहरहाल चुनाव की बात कर लेते हैं, एमसीडी चुनाव आ रहा है, सर पर है, आपकी तैयारी की बात कर लेते हैं, आपके वार्ड की तैयारी की बात कर लेते हैं। क्या इस बार आप तैयारी करने जा रहे हैं, लोगों को क्या अपने प्रत्याशी के रूप में दिखाई देंगे? देखिए रमेश जी, मैं खानपुर गाँव से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म यहाँ का है। बिल्कुल मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा
और सबका आशीर्वाद लेके चुनाव लड़ने जाऊंगा इस बार। कौन सा वार्ड पड़ेगा आपका जो है? वार्ड हमारा 167 जो न्यू चेंज हुआ, पहले 81S। तो किस तरीके से देखिए चुनाव लड़ने की, सुंदर जी बिल्कुल आगाज कर रहे हैं और बिल्कुल पूर्ण रूप से सीधा सा सवाल और सीधा सा जवाब है कि चुनाव लड़ेंगे, बरसों से यहीं पर मौजूद है, राजनीतिक गतिविधि के साथ साथ राजनीतिक दल को प्रतिनिधित्व करते हैं कांग्रेस। अब बात आती है कि कांग्रेस के तरफ लोगों का रुझान क्या रहेगा या फिर आप फेस वैल्यू पे लड़ने वाले हैं? देखिए यहाँ की जो जनता है, ये लोकल चुनाव एक फेस वैल्यू चुनाव होता है, निगम का जो चुनाव होता है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या हमारी इस समय बड़ी स्पीड से है, एक तो ट्रैफिक को लेकर बड़ी समस्या है सबसे बड़ी, तो एक हमारी यहाँ की समस्या पूरी मार्केट की है कि यहाँ पूरी इस पूरी मार्केट में आज से यहाँ से निगम पार्षद रहे सत्येंद्र चौधरी जी, तीन बार उनका ही बैठा हुआ एक डम्मी है सुरेशन गुप्ता जी, आज तक कोई वॉशरूम नहीं बना हमारे देवली रोड पे। अगर मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ और जीत के आता हूँ, मैं जनता से मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबसे पहले मेरा एक ही काम होगा, सबसे पहले यहाँ एक वॉशरूम बनाना इस मार्केट के अंदर, और दूसरा काम मेरा ये होगा कि घर घर तक पानी देना। चाहे मुझे कहीं तक जाना पड़े, चाहे मुझे सरकार से लड़ना पड़े, मैं पानी घर घर तक पानी पहुंचाऊंगा, मैं बिल्कुल मैं वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जो क्राइम हमारे यहाँ स्पीड से जो बढ़ रहा है, नाबालिग बच्चे जो नशे में जा रहे हैं, जो देश का भविष्य है, यहाँ की सरकार और जो प्रशासन आँख मीच के बैठा है, मैं उनको बड़ी गंभीरता से बात को कह रहा हूँ, या तो आप काम करें नहीं तो हम इस बात को उठाएंगे और आगे तक ले जाएंगे और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बात को इसको रख रहा हूँ। हमारे तरफ से शुभकामना है, सुंदर जी ने बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं कई सारे बता दिए हैं और वो जाहिर सी बात है, वो देवली रोड की बात करें और देवली के आसपास क्षेत्र और अपने वार्ड की जो समस्याओं के बारे में बता रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये काम को वो कर करके देंगे। सुंदर जी फिर और जाते हुए एक लास्ट सवाल है कि किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, क्योंकि चुनाव जहां तक हमें जानकारी है चुनाव दिसंबर के अंतर्गत हो सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है, और परिसीमन और डेट घोषणा की बात है वो भी लगभग दिवाली है आसपास होने वाला है, दोस्तों आप लोग भी तैयार रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल के माध्यम से हम सर्वे भी करके बताएंगे और जनता की बातें भी बताएंगे कि जनता क्या चाह रही है, रिझान किधर है, वोट किधर को जा रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है और कौन सी पार्टी एमसीडी में इस बार सरकार बनाएगी। आपसे भी संभावित जो बातें हैं आपसे भी पूछ लेते हैं, क्या समझते हैं किस तरीके से चुनाव होने वाला है? रमेश जी पहले तो मैं दोबारा आता हूँ अपनी बात पे कि एक प्रतिनिधि निगम पार्षद जब बनता है उसके अंडर में क्या क्या आता है जी, और वो क्या करवा सकता है अपने क्षेत्र में। देखिए निगम पार्षद के हाथ में आता है सफाई अभियान का एक तो सबसे पहले, और नालियाँ होती हैं, सड़कें होती हैं, छोटी सड़कें आती हैं उनके अंडर में, और थोड़ी व्यवस्था होती है भाई स्कूल लाइट स्ट्राइट होगी। तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे जिस जो आज की हालत है हमारे क्षेत्र की वार्ड नंबर 167 की, कहीं भी गंदगी नहीं रहने दूंगा, सफाई रखूंगा बिल्कुल बिल्कुल। आपको टाइम टू टाइम कर्मचारी होंगे, जो आजकल कर्मचारी जैसे आजकल दिखाए जाते हैं कागजों में कर्मचारी कम होते हैं और वैसे प्राइवेट कर्मचारी ज़्यादा होते हैं, वो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सफाई होगी आपके क्षेत्र के अंदर, गंदगी बिल्कुल नहीं होगी। मैं खुद डोर टू डोर जाऊँगा, पर डे डोर टू डोर काम करूँगा क्योंकि मैं लोकल हूँ यहाँ का और आपके बीच का हूँ मैं। दूसरी चीज़ आती है लाइट सारी लगेंगी क्षेत्र के अंदर, और तीसरी चीज़ आती है आपको जैसे लाइट होगी, सड़कें होगी, नालियां होगी, सीवर में कोई भी गंदगी हो सफाई उसके लिए भी मैं खड़ा, आपको 24 घंटे आपके लिए मैं हमेशा सेवा में खड़ा रहूंगा। अब बताइए क्या पूछ रहे हैं? क्या बात है, यही तो चाहिए, क्योंकि देखिए एमसीडी और एक निगम के अंतर्गत कुछ चुनिंदा जिम्मेदारियां होती है, आप लोग उसे बखूबी करने की कोशिश करें, जनता का प्यार तो अवश्य मिलेगा। बहरहाल एक बड़ा सवाल है, कहीं जो बजट आएगा भ्रष्टाचार तो आप नहीं करेंगे? देखिए आजकल ये सिस्टम खूब चल रहा है, क्योंकि फिर बाद में आपको ईडी समन्ना भेजते ये ना करें, भ्रष्टाचार से बचेंगे या भ्रष्टाचार करेंगे वो थोड़ा सा भी मुझे आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि आप भ्रष्टाचार से नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल के जितने भी कैंडिडेट है जितने भी खुलासा आ रहे हो रहा है मीडिया के द्वारा माध्यम से, क्योंकि पहले इस चीज को छुपाया जाता था, एकदम से बम की तरह फूटता था कि भाई इसको पकड़ लिया ईडी ने या इसको पुलिस वालों ने बोला, अब तो ये एक आम तरीके की बात हो गई, रेगुलर हो रही है, भ्रष्टाचार एक मामूली सी चीज और मामूली सी बात की तरह समाज में दिखाई दे रही है, इसलिए मैंने आपको पूछ लिया बुरा ना माने। देखिए रमेश भाई जी मैं कभी बुरा नहीं मानता, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है मेरे प्यारे अंबेडकर नगर क्षेत्र वासियों। रमेश जी ने आज पहली बार बहुत 1 लाख रुपए वाली बात पूछी है मुझसे। देखिए रमेश भाई मेरी कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, मेरी 45 साल की उम्र हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं
इंसान वो हूँ जो घास फूस खाने वाला, ना मैं दारू पीता हूँ, ना मैं अंडा खाता हूँ, ना मैं चिकन खाता हूँ, इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ। मेरे जो फादर रहे वो क्लास स्कूल में टीचर थे, उनकी प्रेरणा से मेरे को ज्ञान मिला है, और मेरे माता रानी का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है। बस मेरे में एक जोश यही है, एक यही लगन है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं कुछ, और अपने पिताजी का, अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम मैं आगे बढ़ाऊं, यही मेरी ख्वाहिश है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी, और जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिए इस कड़ी में और रिपोर्ट के साथ, और सर्वे रिपोर्ट के साथ हम आपको अवगत करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।